मोहलत मोहत न जाना। नानक बिन दिसै सहेवो, जाके जी पराणा। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, पल पाके पोए गिरे, बहुर न लागे, बहुर न लागे डा। फरीदा चार गवाया हंस के, चार गवाया समा, लेखा रब मंगे सिया, दुआ हो केहड़े कम। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज, तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी, साहेब जी महाराज। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।
काटे पाग गुरुमुख हर लेना बटे पाग गुरुमुख हर लेना बटे पाग गुरुमुख हर लेना बटे पाग गुरुमुख हर Thank you.
पिंड दिया तू दयापे तू दयापे
सका वड्याई हूँ आख न साका हाँ मूर्ख मुग्ध निचान हाँ मूर्ख मुग्ध निचान जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी शरणागत भया कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नवेरा अब की बार बख्श बंदे बहुर ना पव जल फेरा बख्श ले मेरे स्वामी असी खते बहुत कमांदे अंत ना पारावा हर कृपा करके बख्श ले हो हम पापी बख्श ले मेरे स्वामी हम पापी वड गुनेगा मेरे प्रीतम प्यारे हम बराती सतपुर के गुण कृष्ण हारे तुम बख्शन हारे जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी शरणागत पाया जान जन नानक को हर बख्श ले मेरे Oh,
ਬਸ ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੇ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬਖਸ਼ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ
ਬਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ Yeah.
परम सत्कार योग गुरु प्यारे साध संगत जी, आपा सारे ही पली पात जानते हैं आदि सत्कार योग माता सतविंदर कौर, इन्हों का समुचा परिवार सत्कार योग सरदार जसवीर सिंह जी डिंपा, साढ़े राजसभा के मैंबर, साढ़े इलाके का माण, उत्थे माता जी की सुचजी अगुवाई के अंदर माता जी ने समुचा जीवन बड़े सोहने ढंग के नाल बतीत किया। सारिया दिलों के अंदर अपना प्रेम अपनी छाप छड के गए ने। तिना की याद के अंदर परिवार ने उन्होंने याद किया है। जेड़ा मूल मनुख का इत्थे आउण दा कारण है और उहदे जाण तो बाद उहदे वास्ते जो मनुख कर सकता है, मेरे हर जियो सब को तेरा वस सा जोर नाहीं, साडे विच सतगुरु की समर्था है। ये बनाई हुई जिनस सारा कुछ आप जी का ही है, ये आप जी का बनाया हुआ आप जी विच ही लीन हो जाता है। महाराज आप जी की सारी प्रक्रिया चल रही है। सो परिवार ने सतगुरु जी के हुक्म की पालना करदा होया माता जी के निमित श्री सुखमनी साहब जी के पाठ करना किते हैं। गुरु का जस कीर्तन आप जी बड़े प्यार अदब सत्कार दे नाल बैठ करके क्रस हो करके सुन रहे हो। सतगुरु जी कृपा करन, विछड़ी रूह का भला करन, अपने चरणों में वासा बख्शे करन। माता जी के जीवन से झात मारीे तो किसी कोई गल लुकी छुपी नहीं, बड़ा सोहना जीवन बतीत करके गए ने। पण बाणी निर्णा कर दी है कि जो भी मनुख आप सारे संसार से आए हाँ, साहब कहिंदे ने भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। हर कोई भुलदा है, मनुख का सुभाव ही भुलना है, गलतियां दा पुतला है। सतगुरु इत्थों तक कहिंदे ने बदबख्त हम चो बखील, गाफल बेनज़र बेबाक, नानक बगोइद चन तरा तेरे चाकरा पा खाक। बड़े भारी भारी औगण हन साडे विच, बेनज़र साडियां नज़रां दे विच, साडे हिरदे दे अंदर, साडियां अखां, साडे बोलां दे विच बहुत कुछ अजिहा छिपिया होया है जो पातशाह आप जी नूं मंजूर नहीं, पर असी करी जांदे हाँ, असी भुलण हार हाँ। सतगुरु कृपा करके आप जी के बख्शिया होया दी, आप जी के रंग विच रत्या होया दी संगत बख्श दिओ ताकि जीवन का भला हो जाए। आप सारिया ने इस रस्ते ते तुरना है। सतगुरु जी कहिंदे ने सब किस जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई अर बंधप अर फुन ग्रह की नार। भाई ये संसार का मेला जीवदे जी ही है, जिन्ना चिर अखा खुलिया ने उन्ना चिर तक सारा कुछ ये आपां नूं नज़र आउंदा है। भैन भरा रिश्तेदार सारा कुछ सतगुरु जी कहिंदे तन ते प्राण होत जब न्यारे, तेरत प्रेत पुकार। वो जिहड़े भैन भरा वख वख रिश्तियां नावां दे नाल पुकारदे सन, जदों इस शरीर दे विचों पिंजर दे विचों प्राण पंखेर उड़ के नेस्तो नाबूत हो गया, शरीर मिट्टी दे विच मिल गया, महाराज कहिंदे तैनूं प्रेत प्रेत कहण लग पैणगे। ते सतगुरु जी कहिंदे ने मनुख अपना वजूद चेता रख, तेरा वजूद की है, आदि घड़ी को न रख घर ते देत निकार, तेनों घरों कढ देणगे तेनों बड़ा प्यार करन वाले, ये निजम है परमात्मा का बनाया होया। महाराज जी ने समझाया है संसार दे विच रहिंदिया परमेश्वर नूं अपनी याद चेते दे विच रखना है, बुरे काम करन तो टाला करना है, परमेश्वर दे गुणा नाल जुड़ करके चंगा कर्म करदिया होया जीवन बतीत करना है। सतगुरु जी कृपा करन, परमेश्वर दे बोल साडे हिरदिया दे विच वस जाण, क्योंकि भगत कबीर साहब जी भी कहिंदे ने महाराज कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नवेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पवजल फेरा। महाराज बड़ी औखी खेड है जीवन जीवना, ते जीवन जीवदियाँ जीवदियाँ सच दे रस्ते ते तुरना, ते परमेश्वर दे गुणा नूं धारण करके उन्हां रस्तियां दे उत्ते चलना बड़ा औखा है, बड़ी औखी खेड है। मालक कृपा करो इस भुलणहार जीव नूं बख्श लो, आप जी बख्श सकते हो, समर्थावान हो, कृपा रहमत करन। सतगुरु आपां सारिआं दी हाजरी दर प्रवान करन, सतगुरु जी की बाणी का फला देश भाव विछड़ी रूह नूं सतगुरु जी बख्शिश करन, कृपा करन। आओ एक शब्द की हाजरी होर, फिर आप संगतां कोलों खिमा मंगांगे जिवें आप जी का हुक्म। बाकी संगत बड़े प्यार दे नाल जुड़ी है, सतगुरु कृपा करन बाणी नाल इसे तरह ही साडा प्यार बनावे, साडा जीवन सुचजे पासे नूं तुर पवे,
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਜ ਜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਕਹਿਆ ਕਰ।
आओ ना को मूरख ना स्याना ना को मूरख ना को स्याना वरत सब किछ तेरा पाना वरत सब किछ तेरा पाना जी वरत सब जाए दियो
ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਤਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੋ ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਜਣ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਇਆ।
ਦਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡਿਆ ਮਨ ਲੱਗ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਦੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ ਮਨ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ